गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू चैप्टर नंबर 51 मेडिकल माइलस्टोन्स। हियर यू आर हैविंग सम मेडिकल इन्वेंशंस एंड वी हैव टू फाइंड आउट देयर इन्वेंटर्स और डिस्कवरर्स। सो फर्स्ट वन इज ब्लड सर्कुलेशन। तो ब्लड सर्कुलेशन को इन्वेंट किया गया था 1628 में। ये किसने किया था? दैट इज ऑप्शन सी, विलियम हार्वे ने। स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीनेशन है 1796 में बनाई थी, किसने डिस्कवर की थी वो? दैट इज एडवर्ड जेनर एच। नेक्स्ट इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूशन इन 1818 ये किसने फाइंड आउट किया था? दैट इज जे थॉमस, दैट इज थॉमस ब्लंडेल। रेड क्रॉस की खोज किसने की थी 1864 में? दैट इज जी ऑप्शन, हेनरी डोनट। एंटीसेप्टिक सर्जरी को किसने फाइंड आउट किया था 1867 में? दैट इज ऑप्शन आई, जॉस लिस्टर। नेक्स्ट इज रेबीज वैक्सीन। जो एंटी रेबीज इंजेक्शंस लगाए जाते हैं जब कोई डॉग आपको बाइट कर लेता है, 1885 में इसको इन्वेंट किया था, दैट इज ऑप्शन ए, लुइस पाश्चर। नेक्स्ट इज एक्सरे, जैसे वो जो हमारी बॉडी का कोई भी अगर पार्ट कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो हम एक्सरे करवाने जाते हैं, उसकी किसने इन्वेंट किया था उसको 1895 में? दैट इज ऑप्शन डी, विलियम वॉन रॉटेंज। डीएनए स्ट्रक्चर की खोज किसने की थी 1953 में? दैट इज ऑप्शन बी, फ्रांसिस क्लर्क जेम्स वाटसन, दोनों ने मिलकर की थी। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग की खोज किसने की थी 1978 में? दैट इज ऑप्शन एफ, रेमंड वी रेमेडियन। कैट जो स्कैनर है, सीएटी कैट स्कैनर है जो 1971 में इसको इन्वेंट किया गया था, दैट इज बाय गॉडफ्रे हॉन्सफील्ड, दैट इज ऑप्शन ई। नेक्स्ट चैप्टर में आपको सेफ्टी सिंबल्स दिए हुए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसका क्या मतलब होता है। जो ऐसा सिंबल होता है जिसमें से डेंजर साइन बना होता है, उसका मतलब होता है कि वो टॉक्सिक या कोई भी पॉइजनस मटेरियल है, आप उसको टेस्ट नहीं कर सकते। मोस्टली जो मेडिसिंस होती हैं कुछ, उन पर, या हम जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं उन पर ये सिंबल बना होता है। इसका मतलब होता है क्रॉसिव, डू नॉट टच, आप इसको टच नहीं करेंगे। नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजर, फायर कॉज हो सकती है इससे। ये होता है बायो हजार्ड, मतलब बायोलॉजिकल कोई प्रोसेस चल रहा है उसमें आप अगर यहाँ पे कोई भी सिंबल है तो आप उस चीज़ को टच नहीं करेंगे, वो आपके लिए क्या हार्मफुल हो सकता है। इसका मतलब होता है नॉन ड्रिंकेबल वाटर, ये पानी पीने योग्य नहीं है। नेक्स्ट इज आयोनाइजिंग रेडिएशन, मतलब वहाँ पे कोई भी रेडिएशन का कोई भी प्रोसेस चल रहा होगा, वहाँ पे ये सिंबल आपको देखने को मिलेगा। दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।